स्वागत है आपका जीके बी केमिस्ट्री में। मेरा नाम जुबैन सिंह है। तो देखो, आज कुछ हमने नई चीज़ें एडिशनल ट्राई की हैं, तो वही हम अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो यार, ध्यान से देखते रहना। आज के लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ अपने को बेसिक डेफिनेशन पढ़ना है, कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ों के बारे में जानना है, जैसे कि ऑप्टिकल आइसोमेज़र। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेज़र के बारे में। तो देखो यार, ध्यान से कि देखो ऑप्टिकल आइसोमेज़र, ठीक है, पहले अभी तक हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेज़र के बारे में पढ़ा है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेज़र के बारे में आई होप आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अच्छे से बताई हैं। तो देखो, ऑप्टिकल आइसोमेज़र में पहले एक शब्द आता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, आपके ध्यान से देखते रहना। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके प्लेन पोलराइज लाइट, तो देखो प्लेन पोलराइज लाइट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीपीएल, ठीक है। दोबारा समझो कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को क्या करते हैं, आपके रोटेट, तो ऐसे कंपाउंडों को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर वो रोटेट नहीं कर पा रहे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन को रोटेट करते हैं, आप किधर रोटेट करेंगे, कैसे रोटेट करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर उसने रोटेट किया किसी भी डायरेक्शन में तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंडों की बात कर रहे हैं। तो देखो, तो द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेज़र। तो देखो, आपको यहाँ से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑप्टिकल जो एक्टिव कंपाउंड है वो आपके क्या शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेज़र, ठीक है। ऑप्टिकल का मतलब समझते हो ना, कि जो भी हम बातें करेंगे, देखो ये सब चीज़ें लिखते रहना कि ये पीपीएल मैंने बोला ऑप्टिकली, ठीक है। ऑप्टिकली आपका आइसोमेज़र का मतलब क्या है कि यार हम जो 3D में बात करेंगे, और आई होप आपको डेफिनेशन आपको पहले से बता रखी है मैंने। अब देखो, ऑप्टिकली ऑप्टिकल एक्टिव का मेजरमेंट क्या है, तो देखो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बात कर। देखो ये क्या है, वन क्या है आपका, देखो इधर मैंने लिख रखा है कि सोर्स ऑफ लाइट, वन से क्या आ रही है आपकी लाइट आ रही है, ये आपकी लैब का तरीका है, ठीक है। लैब का तरीका है कि लैब में कैसे आप रिएक्शन कराओगे, ये कैसे पता चलता है, ठीक है। तो ये लैब का है, लैब, ठीक है। तो देखो वन क्या है आपका, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ से लाइट आएगी। अब देखो टू पे पहुँचा लाइट, तो देखो टू क्या है, पॉलीक्रोमेटिक नॉन पोलराइज लाइट। नॉन पोलराइज लाइट का मतलब क्या होता है, समझते हो कि आपका जो लाइट है हर एक डायरेक्शन में जाएगा, हर एक डायरेक्शन में। अब देखो थर्ड पे, देखो आपने स्लिट लगा ली, स्लिट क्या लगाई है, मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर फैशन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको एक लाइट को मूव कराना है, ठीक है। तो ये आपका देखो थर्ड ये लगाया, तो ये फोर्थ बन गया आपका, ठीक है। तो जैसे कि देखो अपने को ये सी फैशन, अब ये लाइट आपको पता है 3D में चलती है, तो अपने को इस फैशन में चाहिए, तो आपने क्या लगा दिया, स्लिट लगा दी, मोनोक्रोमेटर्स। अब देखो फिफ्थ पे क्या लगाया आपने, फिफ्थ पे देखो ध्यान से, आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिफ्थ में हमने क्या लगाया है, देखो फोर्थ पे जो बना आपका, मैंने आपको समझाया कि फोर्थ पे क्या बन गया आपका, मोनोक्रोमेटिक नॉन पोलराइज लाइट। नॉन पोलराइज लाइट क्या है, मैं अभी समझाऊंगा कि देखो उसके बाद में आपने फिफ्थ पे लगा दिया, आपने फिफ्थ पे लगाया आपने पोलराइजर। पोलराइजर का मतलब क्या होता है कि देखो कि ये आपका ओनली उन लाइट की रेज को जो पास करेगा अपने से, जो इसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर। जैसे कि देखो ये वाली आपकी, ये वाली और ये वाली, इनको ये पास करेगा ओनली, ठीक है। जैसे हॉरिजेंटल वाली को ये पास नहीं करेगा, तो इनको पास नहीं करेगा रेस को, ओनली किसको पास करेगा, ये आपका वर्टिकल वाली को। तो ये बन गया सिक्स। तो सिक्स का नाम क्या बताया मैंने, कि मोनोक्रोमेटिक प्लेन पोलराइज लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है, एक ही फैशन में, एक ही डायरेक्शन में। प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, आपके प्लेन के परपेंडिकुलर में, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया। अब देखो उसके बाद में आपने एक सैंपल ट्यूब ले रखा। सैंपल ट्यूब का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से सुनते रहना, ये सभी आपके लैब के मतलब एक्सपेरिमेंट हैं, तो आप आई होप आपको समझ में आ जाए कि देखो आपने एक ट्यूब ले रखी जिसकी लेंथ क्या है एल। मैं पहले इसको हटा देता हूँ, आई होप आपको सही लगेगा। तो मैं कुछ चीज़ें हटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो मैं जो जो चीज़ें मैं हटा रहा हूँ ताकि थोड़ा गड़बड़ नहीं हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो कि मैंने बोला आपको कि जो आपका देखो सेवेंथ वाला पॉइंट है, इधर मैंने देखो ये आपका एल लेंथ का एक ट्यूब लिया, ठीक है। ट्यूब में क्या डाला मैंने, सैंपल। सैंपल का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ही का मतलब क्या है, सैंपल डाला। तो अगर सैंपल डालने पर देखो एल क्या है उसकी, जो आपने जो ये जो ट्यूब लिया है उसकी लेंथ है। तो देखो
उसके बाद में अगर आपकी, देखो ये अगर सैंपल ने अगर आपकी लाइट को रोटेट कर दिया, ठीक है, यहाँ रिकॉर्डर में आपका पता चलेगा कि लाइट रोटेट हुई है नहीं हुई है। अगर लाइट को रोटेट कर दिया तो क्या होगा, आपका ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव। अगर आपका लाइट को रोटेट नहीं किया तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब देखो लाइट को किधर आपका रोटेट करेगा किधर रोटेट नहीं करेगा, ये सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और जो भी मैंने आपको ये बेसिक चीज़ें बताई हैं कि इसको हम PPL बोलते हैं, ठीक है, बाकी मैंने कुछ इसमें चीज़ें बताई हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि देखो लाइट को अगर आपका रोटेट कर दे तो ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखो ध्यान से आगे, तो देखो अभी जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वही मैं ऑब्जर्वेशन में करूँगा। तो देखो ऑब्जर्वेशन में क्या है कि देखो ऑब्जर्वेशन में ध्यान से देखते रहना कि देखो कि आपने देखो प्लेन पोलराइज लाइट को आप सैंपल ट्यूब के साथ में पास किया, देन आपके पास में रिकॉर्डर में कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है। रिकॉर्डर में मैंने बताया था वहाँ इंडिकेट करता है कि कहाँ पर क्या हुआ। तो देखो एंगल ऑफ रोटेशन, देखो ध्यान से सुनना कि देखो यार मैं तुमको समझा रहा हूँ कि देखो ऐसा है, ठीक है, ये आपका मेन पॉइंट है। अगर देखो इसके इधर रोटेट हुआ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इधर रोटेट हो, ऐसा भी हो सकता है इधर रोटेट हो, तो कहीं पर भी रोटेट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देखते रहना। अब कहाँ पर कैसे रोटेट होगा मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो कि एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, थीटा। अगर थीटा इज इक्वल टू क्या है, जीरो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो मतलब कहने का मतलब कोई भी आपका रोटेशन हुआ ही नहीं है। जब आपका रोटेशन नहीं हुआ तो बोलो कंपाउंड क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखो अगर आपका कंपाउंड, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू प्लस 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 का मतलब क्या है कि क्लॉक वाइज रोटेशन हुआ है। तो देखो क्लॉक वाइज क्या है, ऐसे घुमा है, ठीक है, ऐसे घुमा है। तो देखो क्लॉक वाइज अगर घूमेगा वो ऐसे, ठीक है, तो क्लॉक वाइज घूमेगा तो आपका कौन सा होगा कि ये मैंने बताया कि प्लस प्लस आपका एक्स डिग्री, ठीक है। तो जो आपके प्लस प्लस के होते हैं, ठीक है, मैंने देखो ये किसी ना किसी डायरेक्शन में तो मूव किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो का मतलब क्या है, पॉइंट है, रोटेटरी का मतलब क्या, उधर वो रोटेट हुआ है। और इसके देखो कई सारे रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और पॉइंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो एक्स थीटा इज इक्वल टू माइनस के एक्स डिग्री, तो ये एंटी क्लॉक वाइज साइड में आपका रोटेट हुआ है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखो मैंने ऑप्टिकली एक्टिव में ये बोला कि इधर भी रोटेट हो सकता है, चाहे तो वो राइट में, चाहे वो लेफ्ट में, चाहे वो क्लॉक वाइज में, चाहे आपका एंटी क्लॉक वाइज में, लेकिन आपका वो रोटेट होना चाहिए। तो देखो थीटा इज इक्वल टू माइनस के एक्स डिग्री, तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज का मतलब क्या, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। उसको और भी किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, एल से या फिर माइनस के साइन से, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है, ठीक है, ये मैं थोड़ा मिटाता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा। अब देखो एक होता है आपका स्पेसिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है कि हमने कुछ सर्टेन काइंड ऑफ कंडीशन आप फिक्स कर रखी हैं, जैसे कि देखो ध्यान से देखो कि देखो कि हमने जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, जो आपने जो सैंपल ट्यूब ली थी, जैसे कि ये ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब में जो आपकी कंसंट्रेशन है वो मैंने फिक्स कर ली, वो क्या 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो उसके बाद में उसकी मैंने देखो सैंपल ट्यूब की जो आपकी 1 dm पाथ लेंथ भी आपकी फिक्स कर ली है, ठीक है। तो अगर हम गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है, तो अगर हम गिवन टेम्परेचर पे अगर आप रोटेशन फाइंड आउट करना चाहते हो, जैसे कि देखो टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या 25 डिग्री सेल्सियस और आपकी वेवलेंथ क्या है इतनी, ठीक है, 580 नैनोमीटर। अब इतने पे अगर आप रोटेशन पता करोगे तो वो जो इस जो आपका रोटेशन हो जाएगा वो स्पेसिफिक रोटेशन हो जाएगा। स्पेसिफिक मतलब क्या है कि आपने कुछ सर्टेन काइंड ऑफ कंडीशन फिक्स कर दी है, देन आप रोटेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हो। तो देखो इस केस में जो आपका फॉर्मूला क्या होता है कि थीटा वाई, ठीक है, सी इंटू एल, तो ये फॉर्मूला है। अब देखो ध्यान से देखते रहना हर एक चीज़ कि यार देखूँ कि थीटा क्या है आपका, कि जो आपका ऑब्जर्व एंगल है, ठीक है, जो आपका कितने एंगल से वो रोटेट हुआ है, तो ये आपका क्या है, थीटा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि जैसे देखो ये मैंने आपको बताया था, ये आपका क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, तो कितने एंगल से वो रोटेट हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व एंगल, ठीक है। अब देखो सी क्या है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ग्राम पर ml, या फिर मैं यहाँ डेंसिटी भी ले सकता हूँ, ठीक है, तो मैं डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकता हूँ, वो आप कन्वर्ट कर लेना। l क्या है, पाथ लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब इन dm, ठीक है। तो देखो यार ध्यान से सुनना, dm का मतलब आपको पता होगा, ठीक है। तो देखो l क्या है आपका पाथ लेंथ,
किसका आपका सैंपल ट्यूब का, जैसे कि अगर आपके पास में ये सैंपल ट्यूब है तो इसका अगर मैं पाथ लेंथ की बात करूँ तो ये IL आ गया। अब जैसे कि देखो, अब एक एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ मैं, पहले मैं कुछ चीज़ें मैं मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ये ठीक है, ये भी मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि यार देखो कि देखो कंपाउंड एक्स, कोई कंपाउंड आपके पास में एक्स है, उसका देखो जो ऑब्जर्व एंगल है जो आपका देखो मिला है वो क्या है आपका पॉजिटिव का 70 डिग्री। तो देखो पॉजिटिव का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया, पॉजिटिव का मतलब था कि उसका रोटेशन क्या हो रहा है क्लॉकवाइज, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर मैं डी भी बोल सकता हूँ, पॉजिटिव भी बोल सकता हूँ। तो देखो उसके बाद में उसने देखो ये भी दे रखा है कि 2 ग्राम पर ML सॉल्यूशन इन सैंपल ट्यूब और L इजिकल टू 1 dm, तो उसने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो देखो आपको क्या करना है कि देखो अल्फा, ठीक है, अल्फा इजिकल टू थीटा बाई सी इंटू L, ठीक है, और देखो थीटा क्या है आपका 70, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी कंसंट्रेशन है 2 2 दे रखी है, ठीक है। देखो कंसंट्रेशन आपको किस टर्म में दे रखी है, 2 ग्राम पर ML आपको चाहिए, किस में थी, 2 ग्राम पर ML में चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो लेंथ क्या दे रखी है, 1 L = 1 dm दे रखी है, और देखो आप जो आपको क्या चाहिए थी, लेंथ भी आपको dm में चाहिए, तो 2 × 1 = 70 / 2 = 35, ठीक है। तो 35, अब देखो ये पॉजिटिव की वैल्यू आई है ना, तो इसके इसके आगे क्या साइन लगा हुआ है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो ना कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ डी, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ पॉजिटिव। तो देखो आपका स्पेसिक रोटेशन क्या आ गया, +35 डिग्री। तो ये मैंने आपको बताया स्पेसिक रोटेशन के बारे में। स्पेसिक रोटेशन क्या है, सर्टेन काइंड ऑफ कंडीशन फिक्स कर रखी है, देन आप उस कंडीशन पे आप वैल्यू निकालना चाह रहे हो, तो तब ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, और ये फॉर्मूला लगेगा। और आई होप मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, आपको समझ में आया। अब देखो ध्यान से कि यार अब जो मैं कुछ बहुत छोटे छोटे से टर्म इस्तेमाल करने वाला हूँ कि देखो जो आपके बहुत काम के डैश ट्यूमर, ठीक है, डैश ट्यूमर क्या होते हैं, ठीक है, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। और देखो किसके बारे में बात करने वाला हूँ कि इनेंसियोमर। तो पहले आप यह डैश ट्यूमर के बारे में समझ लेना कि देखो ध्यान से देखते रहना कि दो स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आज कॉल्ड डैश ट्यूमर। कि ऐसे कोई आइसोमर है, जैसे कि देखो ए आइसोमर है, ए का बी आइसोमर है, ठीक है, ऐसे आइसोमर है जो आपके ये क्या है, मिरर इमेज नहीं है। अब मिरर इमेज कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा कि ये मिरर इमेज नहीं है, तो इसके बीच में क्या रिलेशन होगा आपका, डायस्ट्यूमर। डायस्ट्यूमर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दोबारा समझो, ए और बी दो आइसोमर है, ठीक है, दो जो आपस में क्या है आपके मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज का क्या एसेंस होता है, क्या मतलब होता है वो मैं समझाऊंगा। तो ए और बी हैं आपके मिरर इमेज नहीं है, तो उसके बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा आपका, डायस्ट्यूमर। अब ये मैं एग्जांपल को भी मैं समझाऊंगा, ठीक है, पहले अभी एक कुछ बेसिक चीज़ें समझो कि देखो क्या है कि देखो पहले एक ये समझो कि दोज कंपाउंड विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनेंसियोमर। देखो ये चीज़ आप समझना, पहले पहले देखो मैंने बोला है कि जो आपके इनेंसियोमर हैं वो क्या होंगे, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर होंगे। मिरर इमेज ऑफ ईच अदर का मतलब है, मैं समझा रहा हूँ, देखो कि आपके पास में एक आपका लेफ्ट हैंड ऐसा है, ठीक है, मैंने देखो लिख भी रखा लेफ्ट हैंड ऐसा है, और उसका जो फेस फेस साइड है लेफ्ट हैंड की वो डाउन साइड है, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो देखो उसके बाद राइट साइड आपका ऐसा है, अगर इन दोनों को सुपर इम्पोज कराओगे, देखो आपको रोटेशन आपको बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा ऐसा सुपर इम्पोज कराना है, जैसे कि देखो कि ध्यान से सुनना, ये राइट वाला हैंड मैंने लेफ्ट वाले हैंड के ऊपर रखा, तो देखो ये वाला अंगूठा इधर आ गया, ये वाला अंगूठा इधर आ गया, तो बोलो ये वाला अंगूठा और ये वाला अंगूठा आपका सुपर इम्पोज हुआ क्या, नहीं हुआ, सुपर इम्पोज नहीं हुआ ना। अब देखो उंगली भी चेक करोगे तो उंगली भी सुपर इम्पोज नहीं हुई है, क्योंकि देखो इधर आपकी लॉन्ग जो लंबी उंगलियाँ होती हैं वो होंगी, इधर क्या होंगी आपकी लंबी, और इधर क्या होंगी आपकी छोटी। तो जो एक सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है कि ये अच्छे से आपका सेटल नहीं हुआ, जैसे कि देखो और भी एग्जाम्पल देखो कि देखो कि देखो कि आपके पास में ये एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, ये मैंने अभी बहुत रियल लाइफ एग्जांपल ले रखा, बहुत आसान, बीच में आपने लगाया ये मिरर, ये इधर मिरर लगाया, तो इसका मिरर इमेज ये बना, ठीक है। अब देखो मैं इस वाले कंपाउंड को इस पर सुपर इम्पोज कर रहा हूँ, तो देखो ऐसा आएगा ना, अगर आप इसको इस पर सुपर इम्पोज करोगे तो बोलो जस्ट सेम आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो कि देखो जस्ट सेम आ रहा है, तो आपका ये सुपर इम्पोज हो गया, सुपर इम्पोज देखो ये क्या आपका इसके सेम आ गया, तो सुपर इम्पोज हो गया।
जब सुपर इम्पोज हो गया तो ध्यान से सुनना, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं अकायरल कंपाउंड, ठीक है, अकायरल कंपाउंड, ध्यान से समझो। अगर सुपर इम्पोज नहीं हुआ तो ऐसे कंपाउंडों को बोलते हैं कायरल कंपाउंड या कायरल ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखो ये लेफ्ट हैंड है, अब इधर देखो ये फेस साइड है, अब ठीक है ये आपका राइट हैंड है। अगर देखो ये आपने मिरर लगाया, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड का ये बनेगा, पहली बात तो ये। आप चाहो तो मिरर के सामने ये ट्राई भी कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद में ये वाले हैंड को, बहुत आसान चीज़ सुनना ध्यान से, ये वाले हैंड को इस पर सुपर इम्पोज करो। सुपर इम्पोज का मतलब क्या, जैसा है तुम्हारे, जैसा तुम्हारा हाथ है राइट हैंड, वैसा का वैसा लेफ्ट हैंड के ऊपर रख दो। तो देखो ये आपको सुपर इम्पोज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, क्योंकि देखो क्यों नहीं दिख रहा, देखो सुपर इम्पोज का मतलब ऐसा होता है कि मतलब आपको पता ही नहीं चले कि आपने क्या किया, जस्ट सेम आए, जस्ट सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं आए, देखो जस्ट सेम है। अब इधर देखो आपको सब कुछ दिख रहा है कि देखो आपका अंगूठा इधर है, आपका अंगूठा इधर है, आपकी उंगलियां भी अच्छे से सुपर इम्पोज नहीं हुई। तो ये होता है, ये क्या, आपका सुपर इम्पोज नहीं हुआ। जब सुपर इम्पोज नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं हम कायरल ऑब्जेक्ट, अगर सुपर इम्पोज हो जाए तो उसको बोलते हैं अकायरल ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है, और भी चीज़ें आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से सुनो जो मैंने आपको समझाया। तो देखो डायस्टोमर के बारे में बता रहा था कि जैसे कि देखो ये वाले कार्बन पे, ठीक है, इसका तो मतलब देखो, इसका मतलब समझते हो ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऑब्जर्व से, देखो ऑब्जर्व से पीछे की तरफ, ठीक, इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व से पीछे की तरफ इस वाली लाइन का, ठीक है। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आई होप आपको समझ में आ जाए, कि देखो देखो कार्बन ए बी और ये आपका डी लगाया मैंने, और ये मैंने लगाया ई। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व की देखो, ऑब्जर्व जहाँ से देख रहा, सामने से देख रहा, तो सामने से ये क्या है, पीछे की तरफ, ठीक है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ई क्या है आपका, टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, इसको देखो सॉलिड लाइन होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया। अब देखो ध्यान से कि देखो इस वाले कार्बन पे और उस वाले कार्बन पे सेम कन्फिग्रेशन है, सेम है ना, क्योंकि देखो इधर भी डॉटेड डॉटेड में आ रहा है, इधर भी किस में आ रहा है, डॉटेड में। अब देखो इस वाले कार्बन पे देखो ये किस में आ रहा है आपका, ठीक है, तुम्हारी आंखों की तरफ, टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, ये क्या आ रहा है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो इस केस में देखो ध्यान से सुनना कि देखो मिरर इमेज तो नहीं होगा, मिरर इमेज क्यों नहीं होगा, कि अगर चेंज होता तो दोनों पे होता। अब कैसे होगा मैं समझाऊंगा, सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा जो आपके धीरे धीरे करके आगे भी आएंगी। अभी आप डेस्टोमर बस इतना समझ लो कि एक पे कन्फ्यूगेशन, एटलीस्ट एक पे कन्फ्यूगेशन चेंज हो रहा है, बाकी सभी पे क्या है, फिक्स। जैसे कि देखो ध्यान से देखो मैं समझा रहा हूँ इधर, कि देखो इधर इस पे क्या है, फिक्स, इस पे क्या है, फिक्स, लेकिन इस पे क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। तो ऐसे को बोलते हैं डायस्टोमर। अब इसका बहुत अच्छा है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, देखो ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में भी आपका कहना होगा कि सर क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, आई होप, ठीक है। तो देखो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है, अभी इसके बारे में बातें मत करना, बस आप देखो मेन चीज़ कि यार मैंने ऐसा कंपाउंड बनाया, और अगर मैं इधर मिरर इमेज लगा दूँ, सॉरी मिरर लगा रहा हूँ, तो देखो क्या है कि जो देखो इधर ये थे, ये देखो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये ऐसा, और ये आपका बी आर, ये इधर हाइड्रोजन आएगा, ये इधर हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, ये इधर आपका बी आर, इधर क्या है आपका हाइड्रोजन, और बाकी ऐसा सी एस थ्री, और ये आपका सी एस थ्री। तो देखो ये तो ये आपस में ए एंड बी के बीच में क्या रिलेशन है आपका, इनेंसियोमर। इनेंसियोमर क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखो दोनों क्या है आपके, मिरर इमेज आइसोमर, मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज आइसोमर। और चाहो तो आप इसको सुपर इम्पोज करके भी देखना। सुपर इम्पोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी वाले को उठाओ, जैसा उठाया वैसा ही आप बी ए वाले के ऊपर रख दो, तो आपको पता चलेगा। देखो ध्यान से देखो कि देखो इधर क्या आपके हाइड्रोजन, जब सुपर इम्पोज करोगे तो यहाँ से क्या आएगा आपका, ओ एच। तो बोलो यहीं से पता चल गया आपका सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, आई थिंक क्लियर। अब देखो ध्यान से कि देखो एच और सी एस थ्री ओ एच, ये मैंने आपका ये वाला जो है इस कार्बन पे जो कन्फ्यूगेशन है वो मैंने सेम रखा, और मैंने दूसरे वाले कार्बन पे कन्फ्यूगेशन क्या कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ, तो बी आर एच सी एस थ्री। तो देखो इस वाले कार्बन पे क्या कन्फ्यूगेशन सेम है और इस वाले पे चेंज हो गया, तो इसको बोलते हैं ए, और सी को बोलेंगे हम डैस्टोमर, डैस्टोमर, ठीक है। तो आई होप क्लियर है। अब देखो मिरर इमेज किसको बोलते हैं, कि यार एक बार आप बीच में आप मिरर डालो, मिरर डालने के बाद में आइसोमर बना लो,
और बनाने के बाद देखो ये कैसे बना। आप चाहो तो आप अपने मिरर पे ठीक इस वाले कंपाउंड को लेके आप मिरर पे आप ट्राई करना, तब आपको दिख जाएगा। तो इनेंसोमर मैंने क्या बताया, मिरर इमेज आइसोमर, और उसके बाद में अगर उसको आप सुपर इम्पोज करा के भी देखना, ठीक है। सुपर इम्पोज का मतलब क्या है, बी को मैंने जैसा लिया है वैसा उठा के मैं ए के ऊपर रखूँगा, मैं कोई भी टिल्टेड नहीं करूँगा ना मैं कोई रोटेशन करूँगा, ठीक है। उसके बाद में डैस्टोमर का क्या मतलब बताया कि अगर आपके एक कार्बन पे कन्फिगेशन क्या आ जाए, चेंज आ जाए, तो उसको बोलते हैं हम डैस्टोमर। जैसे कि देखो मैंने ये भी समझाया, जैसे आपको मैंने समझाया कि देखो यहाँ पर आपका सेम है लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है आपका डिफरेंट, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर है, ठीक है। और देखो ध्यान से, ये मैंने आपका अकायरल को अकायरल ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जो आपके सुपर इम्पोज हो जाए, कायरल के बारे में बताया जो आपके सुपर इम्पोज नहीं हो, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि देखो कि मैंने यहाँ पर बताया, देखो यहाँ पर आपका फिक्स है, ठीक है, यहाँ पर आपका फिक्स है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आपका चेंज हो रहा है, जब एक पे चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डैस्टोमर। और भी ये देखो इनेंसियोमर के बारे में मैंने आपको समझाया कि देखो इनेंसियोमर मैंने क्या बताया कि जो आपके नॉन सुपर इम्पोज हों, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया नॉन सुपर इम्पोज हों और क्या हों आपके मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज आइसोमर। देखो ये इसका अगर मैं इधर आपका मिरर रखूँ तो ये बनेगा, ठीक है। राइट हैंड को मैं अगर इस पर सुपर इम्पोज करूँ तो देखो ये आपका नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा सुपर इम्पोज, क्योंकि ये वाला आपका अंगूठा इधर आ गया, ये अंगूठा ये आ गया, और उंगली आपको चाहो तो आप अपने आप अभी जब लेक्चर देख रहे हो तब एक बार ट्राई करके देखना अगर सुपर इम्पोज हो रहा है क्या, तो ट्राई करके देखना, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया आपको, और मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताएं। आई होप आपको लेक्चर समझ गया है और सही लगा। जो भी चीज़ें आप जेन्युइन फीडबैक